बिहार कांग्रेस का जब भी नाम आता है तो उसके साथ गुटबाजी और हंगामा प्रदर्शन अपने आप जुड़ जाता है। हवा में बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले जब शुरुआत हुई थी टिकट बंटवारे की, उम्मीदवारों के चयन की, और अब जब उम्मीदवारों के चयन के बाद गिने चुने प्रत्याशी जीत कर आए विधायक बने और नए नवेले प्रदेश प्रभारी भक्तचरण दास के रूप में उनका आगमन हुआ, तो कैसी तस्वीर कल देखने को मिली थी ये सबने जाना और समझा। और ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या कांग्रेस फिर से बिहार में उठ खड़ी हो पाएगी, क्या कांग्रेस विपक्ष के तौर पर आरजेडी को ताकत दे पाएगी, महागठबंधन की एकता और मजबूती में सहयोग कर पाएगी। तमाम सवाल धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि भक्तचरण दास कल जब पहुंचे, तस्वीरें आपने देखी थी, किसान प्रकोष्ठ किसान सेल की एक बैठक चल रही थी और उसमें कुर्सियां चली जबरदस्त, एक दूसरे पर ही सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए और एक दूसरे पर हमला करने लगे। दरअसल आज बयान आया है भक्तचरण दास का, 3 दिन का उनका दौरा है और आज दौरे के दिन उन्होंने अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के इस रुख पर काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि सभा में कुर्सी चलाने वाले किसान नेता नहीं थे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने अगली बात जो कही उसने बिहार की राजनीति में बवाल ला दिया है। उनके मुताबिक बिहार में हंगामा प्रदर्शन और कुर्सी चलाना आम संस्कृति है। ये आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। ये सब चीज कमन है और इसी से और इस सब में मेरा अनुभव बहुत है, तो इसलिए मैं तो डटा रहा। तो भक्तचरण दास ने कल ये बयान दिया और इस बयान के बाद सियासी भूचाल आ गया है। न सिर्फ वो सरकार के जो सहयोगी दल हैं, चाहे बात बीजेपी की हो या जेडीयू की हो, उनके निशाने पर आ गए हैं, बल्कि इसके अलावा अपने ही सहयोगी आरजेडी भी उनको निशाने पर ले रही है। और लगातार आरजेडी ने यह कह दिया है कि सोच समझ कर बयान देना चाहिए, और जाहिर तौर पर एनडीए को तो बयान रास ही नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि बिहारियों का अपमान है। माननीय भक्तचरण दास जी ने बिहार के ऐतिहासिक जो विरासत है बारा, उस पर यह राजनीतिक हमला है। भाई, अनुशासनहीनता आपका कुसंस्कार हो सकता है, सच को स्वीकार करिए। आपकी राजनीतिक संगति ऐसे लोगों से हो गई है कि असर तो दिखाई पड़ेगा, तो दुर्गति तो अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उनको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए कि बिहार में इस तरह की बात है। इस तरह की घटनाएं हर प्रदेश में और देश के हर प्रदेशों में हो रहा है। जो भक्तचरण दास जी ने बयान ये भी दिया है, एनडीए के लोगों को ये भी कहना चाहिए कि उन्होंने कहा किसकी जांच किया जाएगा, और जो अनुशासनहीनता में शामिल हैं, तोड़फोड़ में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी का मर्यादा नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई लोक लज्जा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि सारे लोगों को अप्रतिष्ठित करें और सारे लोगों को इस तरह की लोक लज्जा बिहार में नहीं है उनको, इसीलिए हैसियत खत्म हो गई है, लटक पार्टी बन गए हैं। बिहार की मर्यादा भी है, लोक लज्जा भी है, और बिहार में ऐसा नहीं होता जैसा उनके यहाँ होता है, क्योंकि उनके पार्टी को मर्यादा नहीं, इसलिए लोग मर्यादित नहीं है। सब मंच पे बोलना चाह रहे थे, तथा कथित जो अपने आप को कांग्रेस के किसान नेता कहते थे असली, वो भी मंच पे चढ़ना चाह रहे थे, उसको लोगों ने रोका। तो एक मीटिंग में इस प्रकार का कभी कभार हुआ करता है, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि बिहार में ये होते रहता है, कुछ विरोधी दल हमारे प्रभारी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल भक्तचरण दास अपनों और विरोधियों के निशाने पर भले ही अपने बयान के चलते आ गए हो, लेकिन भक्तचरण दास जो जिम्मेदारी आलाकमान ने सौंपी है उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं। एक बड़ी स्ट्रेटजी बनाई गई है, टिट फॉर टैट वाली, दरअसल जैसे को तैसा वाली रणनीति पे काम करने की भक्तचरण दास ने बात करते हुए कहा है कि जो भी घटना कल हुई है, कांग्रेस के वो नेता नहीं थे, और इस तरह के प्लांटेड जबरदस्ती और कांग्रेस को बदनाम करने वाले लोग जब हंगामा करेंगे उनसे बात नहीं होगी। ये दो टूक कह दिया गया है भक्तचरण दास की तरफ से। आपको बता दें कि 3 दिन के दौरे के बाद वो दिल्ली लौटेंगे, उससे पहले ये संदेश काफी कुछ कहता है कि आगे से इस तरह की अगर कोई भी गुटबाजी, किसी तरह की भी हंगामा, आपस में सिर फटोवल होता है तो उस किसी भी पक्ष के नेताओं से बात नहीं होगी। भक्तचरण दास ने यह भी कहा कि 31 जनवरी को एक बार फिर वो 12 दिनों के दौरे पर बिहार आएंगे, और ये भी कहा कि संगठन मजबूत करना जिम्मेदारी है, हर जिले का दौरा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। मैं पत्र लिख रहा हूँ दिल्ली जाके प्रेसिडेंट को, जो लोग विश्वविद्यालय हैं
उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी बिना कहे। पर्पस उनका था कि प्लांटेड जैसे काम किए, तो ऐसे काम को हमारे नेता लोग भी समझ नहीं पाए। इसलिए नेता लोगों को भी मैं पूछ रहा हूँ, मैं लिखित पूछ रहा हूँ कि क्या क्या मैटर। कांग्रेस प्रभारी का बयान जिसमें बिहारियों के अपमान की बात कही जा रही है, और कांग्रेस प्रभारी की दो टूक अपने नेताओं को कि अब बख्शा नहीं जाएगा, हंगामा कोई नहीं करेगा, और करेगा तो उसको सबक सिखाया जाएगा। बात करेंगे सीधा, रजनीश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं पटना से। रजनीश, भक्तचरण दास को टेस्ट तो पता चल गया होगा बिहार की राजनीति का और कांग्रेस के हालात का इन तीन दिन के दौरान। देखिए, जो परिस्थितियां बनी हैं, और जाहिर तौर पे कांग्रेस बिहार में जमीन तलाश रही है, और जिस तरीके से नए प्रभारी बने और आए यहां पे भक्त चरण दास बिहार कांग्रेस के, और जो दृश्य देखने को मिला, निश्चित तौर पे जो पार्टी में जो अंदर खाने जो खेमेबाजी है इसकी परिणति सामने में आई। हालांकि जब मीडिया में पूरी तस्वीर आई, निश्चित तौर पे ये शर्मनाक तस्वीर है किसी भी लोकतंत्र में या फिर राजनीतिक पार्टी के लिए जो तस्वीर थी, और जिस तरीके से हल्ला हंगामा न हुआ बल्कि मारपिटाई तक की नौबत आई, मंच पर कुर्सियां फेंकी गई, तो इसको लेकर एक तो सबसे पहले भक्त चरण दास जो कि असहज दिखे, चूँकि कोई भी अगर प्रभारी बनकर पहली बार आए और इस तरह के दृश्य का सामना उन्हें करना पड़े तो जाहिर तौर पे शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये बाहर के तत्व हैं जिनके द्वारा इस तरीके की बातें की गई है। फिर दूसरी जो बातें उन्होंने जोड़ी कि बिहार के राजनीति में ये सब असामान्य बात है, ऐसा हल्ला हंगामा और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, इसको लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर निशाना साधा, और उनके बयान को लेकर न सिर्फ पार्टी और भक्त चरण दास बल्कि तमाम जो कांग्रेस है उसको कटघरे में खड़ा किया। अब इसको लेकर एक और जहाँ पे सहयोगी गठबंधन में कांग्रेस के सहभागी हैं RJD, वो भी थोड़ी असहज है, और साथ ही साथ अब कांग्रेस इस मसले को लेकर रफू करने की स्थिति में है, और बयान को अपने तरीके से फिर वो उसे एक तरह से कहें कि खाना पूर्ति करके उसकी भरपाई कर रही है जिस तरीके से भद पिटी है इस पूरे मसले मामले को लेकर। लेकिन जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए जो अंदर खाने की वस्तुस्थिति है इस तस्वीर से उजागर हुई है, और ये पहली बार नहीं है, पहला मर्तबा नहीं है कि इस तरह की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस में इस तरह के दृश्य पहले भी कई बार देखने को मिले हैं। तो अंदर खाने जो एक अलग अलग लॉबी है और गुटबाजी है और एक दूसरे के ऊपर जो हावी होने की कोशिश है, आलाकमान जिस तरीके से वहाँ से चीज़ों को थोपते हैं या फिर सौंपते हैं चीज़ों को ठीक करने को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत जब तक ठीक नहीं होगी, लिहाजा इस तरह के दृश्य जो है वो देखने को मिलेंगे यदि हवा हवाई काम में काम रफू काम करने की बात और लोगों को जोड़ने को लेकर या जन रफूगिरी तो एक आधा छेद उसी की हो सकती है ना, छल्ली की तो रफूगिरी होगी नहीं। ये जो गंभीरता के तौर पर हम देखें प्रदेश नेतृत्व से लिखित में जवाब मांगना भक्तचरण दास का, और इस जवाब के साथ आपने भी इसको स्वीकार किया और आपने भी समझा कि कटघरे में खड़ा करना ही हुआ एक तरह से प्रदेश नेतृत्व को, और ये कहना कि जिन लोगों ने हंगामा किया वो कांग्रेस के नहीं थे, तो भाई सदाकत आश्रम में आप मीटिंग ले रहे हैं, आपकी मीटिंग के अंदर ये लोग पहुंच रहे हैं, आपको पता ही नहीं प्रदेश नेतृत्व को कि ये कांग्रेस के नहीं है, उनकी एंट्री हो जाती है। देखिए, बिल्कुल हास्यास्पद है ये, और जाहिर तौर पे अगर दृश्य जो है वो असहज हो जाए और इस तरीके से शर्मिंदगी और शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़े तो जाहिर तौर पे अपनी ओर से वो इस तरीके के बयान को देकर बचने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये बयान और भी हास्यास्पद हो जाता है कि आप जिस बैठक का संचालन कर रहे हैं, तमाम सारे आपके जो पदाधिकारी है वो साथ में है, प्रदेश अध्यक्ष समेत बिहार कांग्रेस के जो नेता है यहाँ पे विधायक दल के और तमाम लोग पदाधिकारी किसान जो प्रकोष्ठ है उनके, और उस बीच में इस तरह की परिस्थितियाँ बन रही है। अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यवहार करेंगे उनके साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और जैसे को तैसा का व्यवहार करेगी कांग्रेस और इसी तरीके से अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जाहिर तौर पे आखिर ये किन के लिए बोल रहे हैं, कोई बाहर के व्यक्ति के लिए तो वो बोल नहीं रहे हैं। बहरहाल अब नए बनकर यहाँ पे आए हैं प्रभारी और दो चार होना पड़ा है इस तरह के हालात से, तो अब कैसे पार्टी इन बातों से निपटेगी और आगे किस तरीके से अपने आप को मजबूत स्थिति में लाएगी, एक बड़ा अहम सवाल है और चैलेंज है कांग्रेस के सामने। अब देखना होगा कि आला कमान को क्या रिपोर्ट दी जाती है भक्तचरण दास के तरफ से, और जब वो वापस, जैसा उन्होंने कहा भी है कि 31 तारीख को लौटेंगे और 12 दिनों का दौरा करेंगे, उसमें किस तरह के होमवर्क के साथ वो आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल रजनीश बात करने के लिए। तो कांग्रेस की